तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे लंसर कंटेनर लाइंस की। दोस्तों, इसमें कुछ अपडेट आ रहे हैं, टू मेन अपडेट्स आ रहे हैं, उसको जो है वो हम डिटेल में दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। क्या इस कंपनी में अपडेट्स आ रहे हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके स्टॉक में आज अच्छी तेजी बनी हुई है। तो एक एक करके इसके जो अपडेट्स है वो ले लेते हैं दोस्तों। तो नए आए दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आज के पहले जो अपडेट है इंडेक्सर ए की तरफ। इन्होंने ये अपडेट डाला हुआ है और उसमें डिफरेंट इंडेक्सर जो है वो ऐड किए हुए हैं, इंडेक्सर ए बी सी। तो यहाँ पे पहला जो एजेंडा है ये वन है, दैट इज प्रेफरेंशियल इशू ऑफ अप टू 99 लाख नियरली इक्विटी शेयर्स टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप कंपनी। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने कुछ प्रेफरेंशियल इशू का पहला जो है वो एजेंडा जो है वो डिस्कस किया है। इन्होंने जो है टोटल यहाँ पे देख सकते हो प्रेफरेंशियल इशू ऑफ अप टू रुपीस जो इक्विटी शेयर्स है 99,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीस 5 ईच एंड दिस इज प्रेफरेंशियल इशूज विच इज टुवर्ड्स द कन्वर्जन ऑफ द आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स फॉर एन एग्रीगेंट अमाउंट ऑफ नियरली 42 crores एट एन इशू प्राइस ऑफ 42 ईच डिटरमाइंड इन द चैप्टर ऑफ दिस सेबी सर्कुलर। तो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही इन्होंने कुछ डिसीजन लिए हैं, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं उनको जो है इन्होंने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का फैसला कर लिया है और प्रेफरेंशियल इशू जो है वो जारी करने का फैसला कर लिया है। तो पहला तो ये एजेंडा था दोस्तों, चलो ये भी अच्छी बात है दोस्तों, जो भी आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर हो रही है। दूसरा जो है इक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑफ द बल्क लाइनर लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी। तो अब ये कंपनी जो है एक और लॉजिस्टिक सेक्टर की छोटी कंपनी को टेक ओवर करने जा रही है। टू मेक द स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन ऑफ 1,06,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच दैट इज रिप्रेजेंटिंग 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द BLL कंपनी। ये भी दोस्तों BLL कंपनी जो है दैट इज बल्क लाइनर लॉजिस्टिक लिमिटेड, ये भी एक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है और टोटल इसकी जो वैल्यू एक्विजिशन की वो होगी 12,03,00,000 के अराउंड है, 45,000 के अराउंड बनती है दोस्तों। और ये कुछ कंडीशंस है, इन्होंने वैल्यू दी हुई है, मतलब टोटल 12 crore में ये कंपनी जो है दूसरी को टेक ओवर करेगी दोस्तों। ये एक अच्छी बात है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो दो जो है अपडेट यहाँ पे आ चुकी हैं दोस्तों, इसलिए ये स्टॉक में एक तेजी जो है वो बनी हुई है। आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक जो है वो तेजी में रह सकता है दोस्तों, इसलिए आप इस स्टॉक पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, आउटस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर रही है और साथ के साथ ही कंपनी अपने बिजनेस को जो है एक्सपेंड करने पे फोकस कर रही है। नई न्यू इक्विजिशंस की जा रही हैं, लोन के लिए जो आउटस्टैंडिंग है वो क्लियर किए जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेके इस पे जो है वो फोकस आप कर सकते हो दोस्तों। हम यहाँ पे बाई की कॉल दे रहे हैं फॉर द लॉन्ग पोजिशंस। तो आज इसकी कंडीशन भी देख लेते हैं कि आज इसके स्टॉक में क्या चल रहा है। Let us see what is the performance of this stock now. ये देखो आज इस स्टॉक में नियरली 7% के अराउंड तेजी है, ये स्टॉक 35 के अराउंड जो है वो ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और यदि इसका अब 5 डे का डाटा देखें तो 10% की तेजी है, 1 मंथ में भी 15% की तेजी हो चुकी है, लेकिन 6 मंथ में अभी भी 39% की गिरावट ही है और 1 ईयर में देखोगे 61% की गिरावट है, लेकिन 5 ईयर्स में अभी भी ये जो स्टॉक है 1600% के बढ़िया रिटर्न ही देता दिखाई दे रहा है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों रिकवरी के चांसेस हैं, इसको अकमुलेट करो, धीरे धीरे करके अकमुलेट करो, एक रिवर्सल दिख रहा है। अब इसके यदि नंबर्स देखें, नंबर यहाँ पे देख सकते हो, सितंबर के जो रिजल्ट्स आए हैं वहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 21% के हिसाब से बढ़ गया है, नेट इनकम 4% के हिसाब से बढ़ गई है, लेकिन मार्जिन 14% के हिसाब से गिर गए हैं, ये भी आपको नोट करना है दोस्तों। तो मार्जिन अंडर प्रेशर है, कॉस्ट बढ़ रही है, मार्जिन अंडर प्रेशर है, लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में रिकवरी के चांसेस हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग क्लियर हो रही है तो कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में अपने मार्जिन को भी इम्प्रूव कर सकती है, कॉस्ट कट कर सकती है। तो जैसे पहले भी हमने कुछ बताया हुआ है, पहले वीडियोस में कवर हुआ है क्यों इस कंपनी के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, पहले वीडियोस में कवर कर दिया है हमने, लेकिन कंपनी की
जो बिजनेस आउटलुक है पॉजिटिव है, लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, नई एक्विजिशन कर रही है, तो इसलिए आने वाले टाइम में ग्रोथ के अच्छे चांसेस हैं। और ये स्टॉक जो है वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में 100 को क्रॉस करता दिखाई दे सकता है, काफ़ी तेजी आ सकती है इस स्टॉक में दोस्तों नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए। इवन यदि आप 5 ईयर्स के लिए होल्ड करते हो तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनने के चांसेस हैं। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलें।